मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ है क्योंकि इसराइल पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, हमास ने जो टेररिस्ट अटैक किया है उसके कारण। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वो पैनिक नहीं करना है, कितना मार्केट गिर सकता है ये भी आपको नहीं सोचना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपका व्यू है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का, तो आपने मान लीजिए आपने वॉचलिस्ट में कोई एक्स वाई जेड स्टॉक्स ऐड कर रखा है और आपको लग रहा था कि ये बहुत महंगा है या अभी इसका वैल्यूशंस बहुत ज़्यादा महंगा है, ये अभी बाई करने लायक नहीं है। अगर इस गिरावट में आपको जो आपके जो वॉचलिस्ट के जो स्टॉक्स है वो क्रैश होते हैं, वो गिरते हैं, तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और उसको आपको लॉन्ग टर्म में ऐड करना चाहिए। तो इस गिरावट को या ऐसी जो भी गिरावटें फ्यूचर में आती है या आएंगी तो उसको आपको एक अपॉर्चुनिटी लेना है और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आपको पहले से ढूंढ के अपने वॉचलिस्ट में रखना है। या आपको पता होगा कि हाँ ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है लेकिन महंगा है, अभी नहीं खरीद सकते, लेकिन गिरावट आपको हमेशा मौका देता है खरीदने का। तो इस गिरावट को आप एज ए अपॉर्चुनिटी समझिए और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके रखिए मार्केट में। आपको पैनिक नहीं करना है, मार्केट से बाहर भी नहीं जाना है। यूक्रेन और रसिया का भी युद्ध हुआ था तो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ा, अभी मार्केट बहुत ही अच्छा है। तो ये भी जो वॉर है, ये भी जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये भी शॉर्ट टर्म पे का इम्पैक्ट पड़ा है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।